एमपी कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी शिवपुरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। केपी सिंह ने बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी ढोल लगाड़े के अपना नामांकन दाखिल किया। केपी सिंह के नामांकन दाखिल करने के दौरान केवल उनके दो समर्थक वहां पहुंचे। नामांकन करने के बाद जब केपी सिंह से मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन केपी सिंह बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर आगे चले गए। हालांकि मीडिया उन्हें बात करने के लिए रोकती रही, लेकिन केपी सिंह ने कुछ नहीं कहा। आपको बता दें, शिवपुरी सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर ही घमासान चल रहा है। कांग्रेस ने यहां से केपी सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि इसी सीट पर बीजेपी से आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अपनी दावेदारी कर रहे थे। पिछले दिनों जब वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ का घेराव किया था, तो कमलनाथ ने रघुवंशी के समर्थकों को दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की नसीहत दे दी थी। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था और केपी सिंह को टिकट देने की वजह भी बताई थी। माना जा रहा था कि इस सीट पर उम्मीदवार बदला जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने चार उम्मीदवारों को बदला पर उसमें शिवपुरी का नाम नहीं आया। अब तो केपी सिंह अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में वीरेंद्र रघुवंशी के लिए ये काफी झटका माना जा रहा है। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव की रिपोर्ट, एमपी तक।